Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video we are going to start the ambassador law and its applications. Before going to this video, please make sure that you subscribe my channel and hit bell icon so you get notification every time. Come to the topic, today's topic, ambassador law and its application. In this video we see that how to derive the ambassador law and its applications. Come to the topics, today's topic is ambassador law. This is the closed path diagram bana hua yahan pe, closed path ka. यहाँ पे करंट पास हो रहा था और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये स्मॉल एलिमेंट लिया हमने यहाँ पे पार्टिकल लिया था लेंथ लिया था dl और जो सर्कुलर पाथ था क्लोज पाथ उसके रेडियस को हमने r लिया हुआ है. ये आपका लाइन ऑफ फोर्स है. तो ये आपका एम्बेसडर लॉ लिखा हुआ है. एम्बेसडर लॉ होता क्या है, चलिए आप देखो एम्बेसडर लॉ होता क्या है. द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज पाथ. इसमें क्लोज पाथ होना जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लोज पाथ बनाया हुआ है. क्लोज पाथ किसी भी शेप का हो सकता है, सर्कुलर शेप का हो सकता है या फिर किसी भी शेप टेढ़ा मेढ़ा भी लाइन हो सकता है, लेकिन क्लोज होना चाहिए. ठीक है, अराउंड एनी क्लोज सर्किट इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स. क्या होता है, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट आई, मतलब म्यू नॉट इंटू आई, दैट इज म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट टाइम्स the total current I threading or passing through this closed circuit. जो इस सर्किट से पास हो रहा है, जो इस सर्किट से पास होगा तो उस वो कह रहा है कि आपका जो B dot dl का total integration equal to mu naught times I होता है, मतलब current का mu naught times होगा. ठीक है, अब हम चलते हैं इसका derivation पे. derivation में दो चीज करना है, एक तो का regular circular होगा, एक होगा किसी भी ओवल शेप का, किसी भी स्ट्राइप का शेप का हो लेकिन वो क्लोज पाथ हो. तो पहला टॉपिक करते हैं हम, प्रूफ ऑफ एम्बेसडर लॉ टेकिंग सर्कुलर पाथ. किसी सर्कुलर क्लोज पाथ है उसका मैं प्रूफ करना है. ठीक है, रेगुलर सर्कुलर पाथ होगा उसमें प्रूफ करना है. सबसे पहले क्या करोगे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ अ, जो मैग्नीट्यूड लिया हमने, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस एट अ पॉइंट पी एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस आर इक्वल टू बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय म्यू नॉट अपॉन फोर पाय इंटू टू वाई अपॉन आर. ये फॉर्मूला होता है हमारा. अब क्या करेंगे यहां पे, टेक्स द स्मॉल एलिमेंट. ठीक है, स्मॉल एलिमेंट हमने लिया डीएल, स्मॉल एलिमेंट लिया था, टेक द स्मॉल एलिमेंट और अ क्लोज पाथ. ये जो क्लोज पाथ है उसमें हमने स्मॉल एलिमेंट डीएल लिया ऑफ अ लेंथ डीएल, छोटा सा एलिमेंट लिया. उसके बाद क्या देख रहे हो आपका कि जो बी का और डीएल का डायरेक्शन था सेम है, डायरेक्शन ऑफ बी एंड डीएल आर सेम. सो पहले क्या लिया हमने, स्मॉल एलिमेंट डीएल ले लिया, टेक द डायरेक्शन ऑफ बी एंड डीएल इज द सेम, दैट इज थीटा इक्वल टू जीरो. द डायरेक्शन ऑफ बी, जो बी था आपका डायरेक्शन ऑफ बी, बी एंड जो डायरेक्शन ऑफ, ये जो बी था किसी भी क्लोज पाथ में आपका डायरेक्शन था बी एंड डीएल आर से, दैट इज थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री. B का और DL का डायरेक्शन जो था वो हमारा बिल्कुल सेम है, इसलिए थीटा क्या होगा हमारा, जीरो होगा. ठीक है, अब क्या करना है आपको, द लाइन इंटीग्रल लेना है. जो इसका लाइन इंटीग्रल होगा मैग्नेटिक फील्ड का, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B अराउंड एनी क्लोज पाथ, किसी भी क्लोज पाथ में आप लोगे तो क्लोज पाथ ऑफ रेडियस R इक्वल टू होता है इंटीग्रल टोटल इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL. क्या होता है, टोटल इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL. देखो द लाइन integral of magnetic magnetic field B, the line integral of magnetic field B, the line integral of magnetic field B, is magnetic field का क्या होगा, magnetic field B, B around
एनी क्लोज पाथ, कोई भी क्लोज पाथ लोगे आपका, कि मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड था आपका, लाइन डिग्री ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड आपका किसी भी क्लोज पाथ में, ठीक है, क्लोज पाथ में लिखोगे क्लोज पाथ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर अराउंड एनी द क्लोज पाथ ऑफ रेडियस आर, किसी भी क्लोज पाथ रेडियस आर मिल गया वो होता है बी डॉट बी इंटीग्रेशन ऑफ टोटल इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, टोटल इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल, ठीक है, बी डॉट डीएल होता है। इसी को आप लिखोगे डॉट प्रोडक्ट है तो क्या लिख सकते हो इसे बी डॉट डीएल, तो डॉट डॉ के लिख सकते हो बी डीएल, बी इंटू डीएल, बी इंटू डीएल कॉस थीटा। तो थीटा यहां पे कितना है, थीटा इज 0 डिग्री, तो थीटे के बदले यहां पे लिख दोगे 0 डिग्री, क्या लिखोगे यहां पे 0 डिग्री, क्योंकि आपने जानते हो कि क्या होता है ए डॉट बी, वेक्टर में ए डॉट बी इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा, क्या होता है ए बी कॉस थीटा, तो क्या होगा बी डी एल कॉस थीटा, कॉस थीटा यहां पे 0 है, दैट इज 0 डिग्री, कितना होता है हमारा कॉस 0 इज 1, तो क्या लिखोगे आप यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इंटू 1, टोटल इंटीग्रेशन है इस क्लोज का मतलब टोटल इंटीग्रेशन है, ठीक है, सर्कुलर पाथ का। उसके बाद अब क्या करोगे आप इसे, इक्वल टू इंटीग्रेशन, आप यहां पे जो वैल्यू था हमारा बी को बाहर कर दोगे और बचेगा आपका डीएल, क्या करोगे बी को बाहर कर दोगे तो क्या बचेगा आपका डीएल बचेगा, बी को बाहर कर दिया डीएल, और किसी क्लोज पाथ में जो लेंथ टोटल होती है सर्कुलर पाथ में वो टोटल लेंथ जो इसका होगा वो पेरीमीटर के बराबर होगा, क्या होता है हमारा, तो जो टोटल लेंथ है वो 2πr है, टोटल लेंथ कितना हो गया 2πr, किसी भी क्लोज पाथ में जो आपका होगा पेरीमीटर उसका लेंथ होगी, इसको खोल दोगे तो हो जाएगा 2πr। तो इसे देख लो आप, एक सर्कुलर शेप का कोई ले लो सामान, ये वायर है सर्कुलर शेप का, हमने यहां पे ले लिया सर्कुलर बना लिया, सर्कल बना लिया, सर्कल की इसको पैरामीटर के फॉर्म में लोगे तो सर्कुलर है ये, सर्कुलर के बाद इसको खोलोगे तो टोटल लेंथ इसकी पैरामीटर के बराबर होगा, तो टोटल लेंथ इसकी पैरामीटर के बराबर करना है, तो क्या होगा बी और डीएल के बदले लिखोगे 2πr, क्या होगा बी इंटू 2πr, ओके okay? ये जो हमारा टोटल किसके बराबर था हमारा, और बी का फॉर्मूला आपने निकाला हुआ था फर्स्ट इक्वेशन से, बी का फॉर्मूला क्या था आपका फर्स्ट इक्वेशन से, म्यू नॉट बाय 4π इनटू 2i बाय r, तो यहां पे डाल दो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से क्या हो जाएगा हमारा म्यू नॉट बाय 4π इनटू 2i अपॉन r इनटू 2πr फ्रॉम फर्स्ट, कहां से डाल दिया हमने फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से हमने इसके बी की वैल्यू यहां पे डाल दिया, तो आप देखोगे कि आपका कैंसिल हो जाएगा 2π से 2π कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल कर दो और यहां पे भी 2 कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो 2 रहने दो आप, और एक r से एक r कैंसिल कर दो, तो क्या होगा यहां पे म्यू नॉट, जो फॉर्मूला आपको डिराइव करना था तो एक म्यू नॉट बच गया आपके पास, आपके पास म्यू नॉट बच गया, 2 से डबल कैंसिल ही कर दो और इंटू आई बचा, तो क्या हो गया म्यू नॉट इंटू आई, तो आपका जो डेरिवेशन हो गया वो टोटल रिलेशन बी डॉट डीएल इट इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया म्यू नॉट इंटू आई। एक बार मैं रिपीट करता हूं उसे, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट पी एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस आर बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π इंटू 2i बाई आर, ये बी का फॉर्मूला होता है हमारा, फिर ले लिया मैं टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोज स्मॉल एलिमेंट ऑफ अ क्लोज पाथ लेंथ डीएल, स्मॉल एलिमेंट ले लिया डीएल इस क्लोज पाथ पे जिसकी लेंथ को मैंने डीएल लिया, अब देख लो डीएल का और बी का डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन ऑफ बी एंड डीएल आर सेम सेम है, दैट इज थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा,
आप कहते हैं यहां पे कि जो आपका लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द क्लोज पाथ ऑफ रेडियस आर, आर रेडियस पे जो था हमारा इक्वल टू होता है हमारा बी डॉट डीएल। क्या होता है बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल को बी डीएल कॉस ले सकते हो, थीटा यहाँ पे जीरो है इसलिए हमने कॉस जीरो लिखा, कॉस जीरो इज वन, वैल्यू ऑफ कॉस जीरो कितना होता है हमारा वन होता है, तो बी डीएल इंटू वन हो जाएगा, बी को हमने यहाँ पे बाहर कर दिया, डीएल बचेगा, डीएल बचा तो हमने क्या करा यहाँ पे बी को बाहर लिखा, डीएल के बदले लिखा टू पाई आर, क्या लिखा टू पाई आर, बताया था जो पैरामीटर के बराबर टोटल लेंथ हो जाएगा सर्कुलर पाथ का, फिर इसके बाद बी की वैल्यू हमने यहां से डाल दिया तो म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 आई बाय आर, इसको कट कर दिया आपका बचेगा म्यू नॉट इंटू आई, तो फॉर्मूला बचेगा क्या कि टोटल इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपको बताता हूं आपका प्रूफ ऑफ एम्पीयर्स न्यूटन लॉ इन अ आर्बिट्री क्लोज पाथ, किसी भी शेप का होगा क्लोज पाथ उसमें। सब्सक्राइब कीजिए और किसी तरह की कोई डाउट है तो कमेंट।